अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिज़ॉन टीवी के साथ मैं हूँ ज़ारिया खान। प्रोग्राम ईद शॉपिंग विद ज़ारिया खान के साथ यहाँ पर जानेंगे लोगों के व्यूज़ के उनकी ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची, उन्होंने अपनी ईद की शॉपिंग कितनी कर ली है और कितनी उनकी रह गई है। तो आइए उनके व्यूज़ जानते हैं। बिज़ॉन टीवी के साथ हमारा और आपका साथ रहेगा जब तक ईद चलती रहेगी, तो आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम सना। सना, ईद की शॉपिंग कितनी हो गई? अभी रहती है थोड़ी सी। अभी थोड़ी रहती है, तो क्या क्या रह गया आपका? बस बच्चों के कुछ और अपनी शर्ट्स देख रही हूँ। शर्ट्स देख रही हैं, किस तरह की पसंद करती हैं शॉपिंग में? वैसे क्या वैरायटी पसंद करती हैं, क्या स्टफ पसंद करती हैं? ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, लेकिन लॉन में जो चल रहा है आजकल गर्मी की वजह से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर साहब, आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ प्रोफेशन। आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं भांजा भांजी है मेरे, इनकी शॉपिंग करके गया था, तो इसका सूट बड़ा है, चेंज करवाने हैं। कितनी हो गई आपकी ईद की शॉपिंग? मेरी कंप्लीट हो गई। लेकिन जिन बच्चों के साथ आए हुए? नहीं, इनकी भी कंप्लीट हो गई, ये सूट एक्सचेंज करना है सिर्फ। सूट एक्सचेंज करने के लिए आया हुआ। ईद की शॉपिंग के हवाले से मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ शॉपिंग करती हैं, तो आपको पहले ही आप अवॉइड करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए? नहीं, करनी तो नहीं चाहिए, टाइम होता है शॉपिंग का, ये एक ही दिन में जाके सबने शॉपिंग कर लेनी, वो इशू बहुत। चले ठीक है, आप में ईद के हवाले से अपने किसी प्यारे को कोई विश करना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स के लिए ईद मुबारक आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुस्ना। हुस्ना के मीनिंग क्या है? हुस्ना के मीनिंग ये अल्लाह के पाक नाम है ना, जैसे अच्छा इखलाक इसका मतलब है। ओह दैट्स क्यूट। तो हुस्ना ये बताइए, ईद की शॉपिंग के हवाले से कितनी कर ली, कितनी रह गई? ईद की शॉपिंग अभी तो कुछ नहीं की, अभी तो स्टार्ट की आज। ओके, तो आपको प्राइजेस कैसी नज़र आ रही है मार्केट में? प्राइजेस बस ऐसे ही, कुछ कपड़ों की जैसे बहुत ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की नॉर्मल है, ऐसी बस। तो लास्ट टाइम की जगह अगर देखा जाए तो अब रीज़नेबल प्राइस है या के वैसे ही चल रही है? प्राइसेस तो खैर रीज़नेबल तो नहीं, प्राइसेस तो आप ही होती हैं, उनकी ही प्राइसेस अच्छी होती हैं जिन पे थोड़ा सा डिस्काउंट कर देते हैं, जैसे 50% कुछ पे 25 वो, लेकिन उनके डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं होते, वो फिर फ्रेश पीसेस में ज़्यादा अच्छा दिल करता है कि वही ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या नाम है? यावर। नहीं, यावर साहब, आप यहाँ पे कब से हो? मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स हो गया। और एज अ क्या? मैं एज अ मैनेजर हूँ यहाँ। ठीक है, आप यहाँ पे एज अ मैनेजर हैं, तो क्या मार्केट का क्या हिसाब देख रहे हैं कि मतलब लोग आ रहे हैं, शॉपिंग पहले से ज़्यादा हो रही है या क्या? आपको पता है सीज़न है, सीज़न में तो कस्टमर आता है, और अब ये लास्ट डेज चल रहे हैं तो माशाल्लाह काफ़ी रनिंग है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आप लोगों ने कोई स्पेशल ऑफर? नहीं, ऑफर कोई नहीं, हमारी प्राइसेज वैसे रीज़नेबल होती हैं, उसमें कस्टमर ने आना ही है और लेनी है। पहले से कस्टमर की रेशियो ज़्यादा नज़र आ रही है या कम नज़र? काफ़ी है, रेशियो अच्छी है माशाल्लाह। उसकी क्या रीज़न? ये है कि स्टॉक अच्छा आया हुआ हमारे पास और क्वान्टिटी अच्छी है उसमें, तो माशाल्लाह अच्छा कस्टमर निकल रहा है। तो ये कब तक मतलब चांद्रा तक चलेगा? चांद्रा तक इंशाल्लाह और ज़्यादा हो जाएगा, ये कल होती है परसों चांद्रा, जब भी है तो इंशाल्लाह और रश हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आप इतने वो मतलब लेजी से क्योंकि फैमिली के साथ आए हो? फैमिली की शॉपिंग ने थका दिया आप? नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन बंदा लेजी हो ही जाता है। ओके, कितनी शॉपिंग चल रही है फैमिली की, किस दिन से चल रही है? नहीं, आज ही निकले हैं, आज ही चल रही है, जो आज कुछ पेंडिंग वगैरह है वही चल रही है। तो ये कब तक चलेगी? मेरे ख्याल से 1-2 घंटे तो चलेगी। और कल तक हो जाएगी कम्प्लीट? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, आपको मार्केट में आया हुआ है, मार्केट में रेट्स वगैरह आपको कैसे लग रहे हैं? रेट मुनासिब है, दुकानों के हिसाब से ठीक है, ऐसे तो होने चाहिए। बिल्कुल, पहले से रीज़न है? हाँ, दुकानों के हिसाब से तो ऐसे ही है, आप अच्छी दुकान में जाएंगे तो अच्छा रेट होगा, तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया। मारिया, आप क्या कर? मैं मैरिड हूँ। मैरिड है जी। ईद की शॉपिंग कितनी? ईद की शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, बस थोड़ी सी रह गई थी। कितनी रह गई? बस बहुत कम। किसके साथ आए हुए? मैं भाई के साथ। कैसे ड्रेसेस बनाए हुए हैं आपने? मैंने अच्छे मतलब के सिंपल हैं, लाइट कलर हैं या डार्क कलर है? लाइट कलर जी। लाइट कलर क्यों पसंद करती हैं? मुझे लाइट ही पसंद है। लाइट पसंद है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं? मैं अम्मी अब्बू से। आपका क्या नाम है? मनाई। मनाई, इधर क्या करने आए? शॉपिंग। क्या खरीदा आपने? अभी ड्रेस खरीदा। कितने ड्रेस लिए? अभी नहीं लिए, बस ले रहा। किसके साथ आए? अपनी खाला के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान। आप क्या करने आए? मैं शॉपिंग करने आया हूँ, कुर्ता देखने आया हूँ। अपने लिए? अभी चेक कर रहा हूँ, अभी देखा एक, देखा वो ट्राई करने का। फर्स्ट टाइम आप शॉपिंग के लिए आए? नहीं, सेकंड टाइम आया, पहले पसंद करके था दोबारा आया हूँ। एक तो बाकी के लेना है अभी। किस कलर में? ब्लैक में। ब्लैक ही मैं एडवोकेट हूँ, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है।
दैट्स गुड, एडवोकेट हैं तो क्या करना, कुछ स्पेशल क्या है आपका जो एडवोकेट बन के आपने कुछ स्पेशल? मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ फिलहाल तो साथ साथ। चलें दैट्स गुड कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। हम लोग बिजॉन टीवी की जानिब से हैं। bizon.pk एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करोगे तो तमाम किस्म के ब्रांड जो हैं वो डिस्काउंट के साथ आपको फेवर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? सैफुर रहमान नाम है मेरा। सैफुर रहमान, क्या करने आए हैं इधर? मैं शॉपिंग करने आया हूँ ईद के हवाले से और काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अकेले आए जी? अपने भाइयों के साथ आया हूँ। तो भाइयों की भी शॉपिंग की है? जी जी बिल्कुल, उनकी भी की है, उनके साथ हेल्प भी कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईद का मौका है, रोज़ों के बाद अल्लाह ताला ने हमें ईद का तोहफा दिया है और बड़े खुश हैं जी। तो कितना बजट रखा हुआ था ईद के लिए जो आपने लगा दी? ईद के लिए मैंने तो तकरीबन 10,000 बजट रखा हुआ था और उसमें जूती भी ले ली है और एक गेट और से कुर्ता भी ले लिया। ये सिर्फ अपने लिए, बाकी मतलब सिस्टर्स के लिए, मदर फैमिली मेंबर जो बाकी वो ऑलरेडी उनको ले लिए हुई है, बजट अपने लिए जो रखा था वो आपको बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? सुलैद। सुलैद की क्या मीनिंग है? सुलैद की मीनिंग हाजिर जवाब। दैट्स गुड, हाजिर जवाब तो आप लग रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे कि आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मैं यहाँ पे 1 वीक हुआ है जॉइनिंग किया एज असिस्टेंट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे सेल्स की ईद के शॉपिंग के हवाले से क्या आपको नज़र आ रहा है? सेल्स के भी तो ईद है, मुझे ईद से पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ईद के दिनों में तो सेल्स अच्छी है, तो लेट्स सी कि ईद के बाद क्या पोजीशन होती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? राहत। राहत आपकी बेटी? हाँ जी, ये मेरी बेटी। शॉपिंग हो गई? नहीं अभी आए हैं, अभी स्टार्ट की है, तो देखिए। तो कब करेंगे? अभी आज कर लेनी है। आज कंप्लीट हो जाएगी? रिस्क नहीं लेना, आज कर लेनी है। आपको कंप्लीट करना पड़ता है? हम 3 फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे हस्बैंड, बेटी और मैं बस। तो फिर आप इजीली कर लेंगे? होपफुली, जेब में पैसा होना चाहिए। इंशाल्लाह। तो मियाँ की जेब खाली नहीं करवाती हैं? नहीं नहीं, वो भी साथ हैं, उधर कहीं होंगे, जब मैं बिल करवाना होगा वो आ जाएंगे। अच्छा, तो वो ये नहीं कहते कि मेरी बेगम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती? नहीं ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा तंग नहीं करती ना, खुद ही आप नॉर्मल रहते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिसेज अमजद। मिसेज अमजद, आप ईद की शॉपिंग के लिए आए? जी ईद की। कितनी शॉपिंग होगी? कोई नहीं, बच्चियों के नहीं मिल रहे। क्यों, क्या मसला? पसंद नहीं आ रहे बच्चे। कितने बच्चियाँ आपकी? मेरी 2 बेटी हैं, 1 भांजी है, 1 बहू है। उन्हें पसंद नहीं आ रहे, क्यों, ऐसा क्यों है? बस जो देखती है कहती हैं ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। कब से चल रही है आपकी शॉपिंग? ये 4-5 दिन से चल रही है, पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी तो नहीं आ सकी मैं। इनकी पसंद लगता है डिफरेंट है, क्या लेना चाह रही हैं जो इन्हें नहीं मिला? बहुत मुश्किल है, ये पसंद आया अभी ले रहे हैं। तो इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है, क्यों नहीं ले रहे? नहीं अब मैं बच्चियों को कह रही हूँ ये ले लो और नहीं मिले तो ये लेके आए हैं। ओके, यानी कि अब आपने फाइनल किया हुआ है कि ले लेना चाहिए, क्योंकि कल चांद रात है, परसों ईद है, फिर आप क्या करेंगे? तो बच्चियों की पसंद ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो गई? जी यही समझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? लैला। लैला के क्या मायने? लैला की मायनी है रात। रात वाली रात। दैट्स नाइस। अच्छा ईद की शॉपिंग बताइए कितनी हो गई? अभी 70% हो गई है, 30% रहती है। तो ईद की शॉपिंग में क्या क्या खरीदा आप? अभी तो ड्रेसेस लिए, शूज लिए, अभी थोड़ी ज्वेलरी रहती है और एक एक्स्ट्रा ड्रेस रहता है। मियाँ साहब के क्या व्यूज? मियाँ साहब बस ये है कि ऐसे बच्चे उठा के साथ साथ हैं। ये नहीं कह अगर हम मियाँ साहब से ये पूछना चाहें कि आप क्या कह रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा इन्होंने जेब खाली करवा दी? अभी तक तो सिर्फ मिसेज की हुई है, मेरी तो लास्ट नाइट होगी शॉपिंग। अच्छा आपकी लास्ट नाइट होनी है, तो क्या कहते हैं कि आपकी मिसेज बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं या थोड़ी करती हैं? नहीं इतने सामने तो नहीं कह सकता। नहीं आप कह सकते हैं। नहीं अभी 70% हुई है, 100 तक देखते हैं कितना फिगर। बजट कितना आपने रखा हुआ था जो लग गया? बजट तो इन पे डिपेंड करता है, जो जेब में है खाली हो जाएंगे, यानी कि सारी जेब खाली कर देंगे। लगता तो ऐसा ही है। चले ये तो कमाते भी तो इन्हीं के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सना है। सना आप क्या बन के क्या महसूस करती हैं? टीचिंग में एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ। दैट्स गुड, एडमिनिस्ट्रेशन में है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज रखती हैं। जी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली भी चलती हूँ। तो ईद की शॉपिंग के हवाले से बताइएगा कि इसमें कितनी मैनेजमेंट आप दिखा रहे हैं? इसमें ये है कि अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है, कुछ चीज़ें बस बाकी हैं, तो वो बस अब फाइनल टचेज हैं, तो अब देखें।
اچھا جب عید آتی ہے تو اتنا زیادہ انسان وہ زیادہ ہو جاتا ہے, کانشیس ہوتا ہے, اس نے بجٹ بھی کافی اکٹھا کیا ہوا تھا, تو آپ نے جو بجٹ لیا ہوا تھا, پلان کیا ہوا تھا, اس کے مطابق ہو گئی شاپنگ آپ؟ ہاں اس کے مطابق ہو گیا, اور خاص طور پہ اس شاپ میں آ کے تو مجھے کافی لگ رہا ہے کچھ ریزنیبل پرائز میں چیزیں مجھے اویلیبل ہیں میرے بجٹ کے مطابق, تو بلکہ اس ہم ہاؤ اس سال تو مجھے لگ رہا ہے کہ بلکہ کچھ پرائزز جو برانڈس کی ہیں اسپیشلی وہ تھوڑی بہت ریزنیبل ہو گئی ہیں لاسٹ ٹو ایئرس سے, جو کافی بہت زیادہ ہو گئی تھیں, یعنی کہ جو کاسٹلی نظر آ رہی تھی وہ رینجیبل ہو گئی ہیں. جی اب رینجیبل ہو گئی بالکل, کچھ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے, تو اس حساب سے پرائزز کم کر لی ہیں انہوں نے. وہی نا, یہ آپ نے بڑا خوبصورت مجھے جو سوال اور کوشچن اور آنسر بھی دیے ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے چیزوں کو مینیج کر لیا ہے آپ نے, تو عید کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے سب کو؟ بس یہی کہوں گی کہ سب مل جل کے رہیں اور بہت اچھی طرح سے عید کو انجوائے کریں بس. تھینک یو سو مچ, اور کچھ دعا کریں گرمی بھی کم ہو جائے ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ, ہم لوگ بیزون ٹی وی کی جانب سے ہیں. عید کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اپنی فیملی کو, کچھ فرینڈس وغیرہ؟ یہی کہ خوش رہیں, خوشیاں منائیں, عید خوشی کے ساتھ منائیں اور بس. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ہم لوگ بیزون ٹی وی کی جانب سے ہیں, تو آپ نے 10 ٹائم بیزون ٹی وی بولنا ہے, پھر ہم آپ کو گفٹ ہیمپر دیں گے. بیزون ٹی وی, 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 بیزون ٹی وی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ اپنوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بس یہی کہ عید پہ ایک دوسرے کے گھروں میں آئے جائیں, اچھے طریقے سے گھومیں پھریں, انجوائے کریں بس. حوالے سے کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں گے؟ عید کے حوالے سے اسپیشل میسج یہی ہے کہ سب کو عید مبارک, اور باقی اللہ پاک خیر کرے سب. ہم لوگ بیزون ڈاٹ پی کے سے ہیں, ہمارا بیزون ٹی وی ایک چینل ہے, ویب چینل ہے, آپ اسے اپنی اپلیکیشن میں اپلیکیشن کو انسٹال کریں اپنے پلے اسٹور میں جا کے بیزون ڈاٹ پی کے, تو تب آپ اس چینل کے ساتھ جو ہے نا وہ لاگ ان ہو جائیں گے, تو پھر تمام قسم کی ویڈیوز اور تمام برانڈس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا بیزون ڈاٹ پی کے سے. امی ابو کے لیے عید کا کوئی اسپیشل میسیج ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے. تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, ابھی عید کے حوالے سے تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو نہیں شاپنگ کر سکتے غریب لوگ ہیں, ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی خوشی میں شامل کر سکیں. اچھا عید کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ عید کے حوالے سے اللہ سب کو خوشیاں دے عید پہ. اچھا فیملی کے لیے کچھ اسپیشل عید کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ میں فیملی کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ, میں اور سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اور آنے والا وقت ہمارا اچھا گزاریں عید پہ, یہی کہوں گا بس. تھینک یو سو مچ. آپ سے ہم نے ایک سوال بھی کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں کچا پاپڑ اور پکا پاپڑ یہ 10 ٹائم کہہ کے سنانا. کچا پاپڑ پکا پاپڑ, 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 کچا پاپڑ پکا پاپڑ. تھینک یو سو مچ, آپ کے لیے بھی زون ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. عید کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں؟ عید مبارک ٹو آل ان ایڈوانس. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بیزون ٹی وی کی جانب سے ہیں, تو آپ 10 بار ہمیں بیزون ٹی وی کہہ کے بتائیں تو ہم آپ کو گفٹ ہیمپر دیں گے. بیزون ٹی وی, 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 بیزون ٹی وی. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا عید کا دن ہوگا اور عید آنے والی ہے, کچھ اسپیشل کچھ کہنا چاہیں گے اپنے کسی لورز کو, اپنے جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں؟ نہیں بس سب کو یہ کہنا ہے کہ ٹھنڈے رہا کریں, کول رہیں, ٹھنڈے رہیں. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بیزون ٹی وی کی جانب سے ہیں, آپ اپنے کسی بھی پیارے کو, ریلیٹیوز کو کوئی پیغام عید کے حوالے سے دینا چاہیں؟ سب کو عید مبارک ہو, خیر خوشیوں سے سب گزاریں اپنا عید کا دن. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اچھا عید کے دن کے لیے آپ کچھ اسپیشل کسی کو پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ عید پہ جیسے ہم لوگ اپنے لیے اتنا زیادہ بجٹ رکھتے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا 10% ہمیں تھوڑا سا غریبوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی عید اچھے سے گزار سکیں, اور ان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بیزون ڈاٹ ٹی وی کی جانب سے ہیں, بیزون ٹی وی ہمارا ایک ویب چینل ہے, آپ اسے اپنے موبائل پہ انسٹال کیجیے گا اپلیکیشن, تو آپ کے جو موبائل پہ جب انسٹال ہو جائے گا تو تمام برانڈس کے ساتھ آپ کو 10% یا 15% جتنا بھی ان کا ہوگا وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر ہے. جی تو ناظرین, آج ہم نے لوگوں کے ویوز جانے عید کے حوالے سے. عید شاپنگ ود زاریہ خان میں آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کے ویوز جانے ہوں گے کہ کیسے انہوں نے عید کی شاپنگ کی, کتنی کی اور کتنی رہ گئی ہے, اور کیا ریشو چل رہی ہے یہاں پر مارکیٹ میں بجٹ کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر تو پرائزز زیادہ ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ اپنی عید کی شاپنگ کر رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ. اوبویسلی عید کی خوشیاں بنا شاپنگ کے کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بیزون ٹی وی سے میں آپ کے لیے اس طرح کے مزید پروگرام لے کر آتی رہوں گی, تو دیکھنا مت بولیے بیزون ٹی وی, اور مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
bizon.pk Hari Leigh.